सर, वो हैदराबाद से कासिम रिजवी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ ठहरे हैं वो? दिल्ली के बहुत ही घटिया होटल में। उनके सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया था। वो हिंदू है, गुजराती। जी हाँ, वो तो मुझे फोन पर ही धमकी दे रहा था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि अपने सरदार को समझा देना, उनके ये दांव पेच हम पर नहीं चलने वाले। जरूर पीछे से रिजवी पंप कर रहे होंगे। सर, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैं उनसे मिलूंगा। उन्हें कोई सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से ठहराओ, कल रात को घर पर खाने पे बुला लेना। यस सर। और सुनो, बहुत ही आदर के साथ लीजिए। लीजिए, ये खास तौर पे मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मैंने सुना है आपका जो सेक्रेटरी है वो गुजराती है। जी हाँ। और मैं चाहूं तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूं, मिस्टर पटेल। बीवियां कितनी है? दो। और मैं जितनी चाहूं उतनी रख सकता हूं। बच्चे? छह। लेकिन आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। वहां के मुसलमान जान हथेली पे लेकर घूम रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हैदराबाद। बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और दूसरी बात ये, खड़े होकर नहीं। लेकिन ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है रिजवी भाई, बैठ जाइए आराम से। हमें बैठकर बोलने की आदत नहीं। अब डालिए, देखिए आप कह पाएंगे, कोशिश कीजिए। और अगर हम खड़े होकर बोले तो? नहीं, आप बैठकर ही बात करेंगे। आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आप आराम से कहिए। और यहां पर मेरे अलावा आपको सुनने वाला तो कोई है नहीं, फिर डर कैसे? थूक दान दो, जो कहना है वो इत्मीनान से कहिए। बोलिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली हैं, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। लिया आपने कहा कि आप 1,40,00,000 हिंदुओं को मरवा देंगे। हाँ, अगर हमें मजबूर किया गया तो। अच्छा, उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे? हमें क्या मालूम। तो मालूम हो जाना चाहिए। आप सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप हमें धमकी दे रहे हैं, आप हमें जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। अरे कौन रोक रहा है? और वैसे भी कल सुबह हवाई जहाज से आप हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाओगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामती पहुंचोगे। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे। और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जाइए।
हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2,00,000 के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की यह गलत फहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? पीएम विदेश गए हुए हैं और आप। देखो, मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं, अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा।